रामेश्वर चौरसिया जी, आपको क्यों लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? शिवानी कश्यप भी जुड़ गई हैं, बॉलीवुड सिंगर, इसके बारे में बहुत मजबूती से वो अपनी राय रख रही हैं। उनके पास भी जाऊंगा, विक्रम सिंह के पास भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले रामेश्वर चौरसिया जी। दीपक जी, मैं साफ साफ आपको बता दूं, मैंने इतने लोगों को सुना और आपने भी परिवार वालों का भी सुना, और 45 दिन में जो मुंबई पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर पाई, और ये मुझे बताइए, कहीं डॉक्टर इंजीनियर तो सुसाइड करते नहीं दिख रहे हैं, पॉलिटिशियन तो नहीं दिख रहे हैं, ये सुसाइड मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में ही क्यों होता है? उसकी मैनेजर छत से गिर जाती है, कोई हीरोइन अपने बालकनी से कूद जाती है, ये सब नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कुछ लोगों का दबदबा कायम रखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में, ये बहुत ही खतरनाक है। और सुशांत के चाचा जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि जो लोग बाहर से जा रहे हैं अपना करियर तलाशने, देखो वो भी एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को तंग करोगे, जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, मानसिक प्रताड़ना करोगे, तो वो क्या करेगा, वो पढ़ाई कर पाएगा क्या? सुशांत सिंह एक इंटेलिजेंट आदमी, एक इंजीनियर जो गया, और हम लोगों को इतने इससे सबसे ज्यादा दुख इसलिए है दीपक जी कि बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज बाजपेयी जैसे एक सुपरस्टार, जो शत्रुघ्न सिन्हा थे फिर मनोज बाजपेयी आए, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ही जा जो सुपरस्टार के कैटेगरी में था, और ये नैरेटिव कैसे सेट हो गया? उसका लाश मिलता है, अब कहां पुलिस ने आपको कहीं दिखाया कि वो झूल रहा है, पंखे से लटका दिया, कोई सुसाइड किया है? इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा एक्टर, ऐसे ही उसको हवा में उड़ा दोगे आप? आपने क्या वीडियोग्राफी की, वहां के लोगों को अरेस्ट किया, घर में कौन थे, घर में पार्टी हुई थी, नौकरों को अरेस्ट किया, नौकर किसने रखा था, उसकी पूर्व मैनेजर जो सुसाइड की क्या कनेक्शन था? बहुत सारी चीजें खुलासा होना बाकी है, और सीबीआई की मांग हम इसलिए भी कर रहे हैं कि एक जांच होगी पटना में, मुंबई पुलिस पटना पुलिस को कोऑपरेट नहीं करेगी, आप मुंबई पुलिस का रवैया देख लीजिए। इसीलिए मैं तो उद्धव ठाकरे जी से ये मांग कर रहा हूं कि इसको नाक की बाल आप क्यों मनाते हैं? नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया है। अनिल देशमुख, रामेश्वर जी, मैं आपको अभी का अपडेट दे दूं, एक घंटे पहले का, अनिल देशमुख जी ने साफ साफ कहा है कि हम सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, हमारी पुलिस इस जांच में कैपेबल है। इस बारे में आज गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की बकायदा बातचीत हुई, जिसके बाद अनिल देशमुख का जी का स्टैंड आया। सुन लीजिए, सुन तो ठीक है, वो मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको, मैंने देखा है, ये उनके बस का नहीं है, लोग कोर्ट जाएंगे, और मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, बॉलीवुड और मुंबई पुलिस का जो कनेक्शन है, मैं नहीं कह रहा हूं मुंबई पुलिस निकम्मी है, मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन जब बॉलीवुड का मामला आता है, मुंबई पुलिस की रेपुटेशन बहुत गंदा है, बहुत खराब है, मुंबई पुलिस मिली हुई है इस साजिश में। और जब सीबीआई जांच होगी तो मैं आपको बता देता हूं, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की भी जांच होगी, और जो जांच में अधिकारी है मुंबई पुलिस उनकी भी जांच होगी, आपको बता रहा हूं, ये सब मिले हुए लोग हैं, और दो तीन गैंग जो वहां बन गया है, खान और भट्ट, और ये जो फिल्म इंडस्ट्री में यही रहेंगे, हीरो यही बनेंगे, प्रोडक्शन हाउस यही चलाएंगे, और बाहर से जो आएंगे इनके चमचे बनकर के रहेंगे। आप एक बात बताओ, एक समय फिल्म इंडस्ट्री थी, देवानंद थे, अमिताभ बच्चन थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, धर्मेंद्र थे, आज कहां फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं? सुशांत सिंह अपने एज में सबसे बड़ा स्टार उभर करके आ रहा था, कहां? सब स्टार को प्रताड़ित करते हैं, हीरो हीरोइन का कैरियर बर्बाद कर देते हैं ये लोग, लोग मर्डर कर देते हैं, गाड़ियां चढ़ा देते हैं, इनको कोई सजा नहीं होती है साहब? अब मुंबई पुलिस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है?